गोरखपुर में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र चक्रव्यूह का आयोजन किया है। इसमें 50 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य आम जन में संवेदनशीलता तथा सीसीटीवी कैमरों की जांच के साथ शहर की सुरक्षा का बुनियादी ढांचा मजबूत करने वाले लोगों को जागरूक करना है। एडीजी अखिल कुमार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के बारे में बताया कि गोरखपुर में 21,000 कैमरे लगे हैं, जिसमें 3,000 कैमरे हाई क्वालिटी के हैं। 18,000 कैमरे निजी आवासों पर लगाए गए हैं। ये कैमरे अपराध और अपराधियों के बारे में पुलिस की मदद करते हैं। पुलिस का कहना ये है कि आप हर चौराहे से बच के निकलिए तो आपको 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमने इस पर में भाग लिया हुआ हूँ। हर चौराहे पे मैं देखता हूँ, गया हूँ, गली कुछ गया हूँ, देखते हैं 1,00,000 रुपए का इनाम मैं पा पाऊंगा नहीं पाऊंगा। लेकिन ये कि पुलिस की ट्रायल है कि हर चौराहे पे कैमरा पा सकते नहीं पा सकते हैं। पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हर चौराहे हर घर कैमरे लगे हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकती है पुलिस। देखिए, आपको याद होगा पिछले वर्ष ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें हम कैमरा लगा और कैमरा के जरिए हम क्षेत्र पर नज़र रखें। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग उस वक्त हमारे तत्कालीन कमिश्नर एनजी रवि साहब ने दिया था, जहां हम लोग एक मीटिंग किए थे, जहां हमारे प्रदेश जनपद के सभी सम्राट नागरिकगण और प्रधान आए थे। और उसके बाद ये मुहिम तेजी पकड़ने लगी और आज हमारे गोरखपुर जनपद में करीब 21,000 कैमरे डिफरेंट जगहों पे लगे हैं, जिसमें करीब करीब 3,000 हाई क्वालिटी कैमरे हैं और करीब करीब 18,000 कैमरा निजी मकान आवासों पे लगाए गए हैं। इस अभियान में हमारे गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम सब ने बड़े जोर शोर से पार्टिसिपेट किया। बहुत सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट किया, फिर जनप्रतिनिधियों ने आए, वो भी अपनी धनराशि दिए। सांसद जी ने 1 करोड़ रुपए दिया, सभी माननीय विधायकों ने 25-25 लाख दिए। तो हमारे एसएसपी साहब के नेतृत्व में ये अभियान सबसे तेजी पकड़ी और करीब हम लोग आज के दिन में जो कैमरों का नेटवर्क है बहुत रोबस्ट हो गया है